अब आप तो जानते हैं कि दहेज प्रथा और बाल विवाह दोनों के ऊपर में पूरे देश में कानून बना हुआ है। आपको शादी विवाह में दहेज नहीं लेना, लेकिन कितना लोग दहेज के चक्कर में रहता है जी। लड़का को पढ़ाता है और लड़की को कम पढ़ाता है, पढ़ाएगा। अरे अब तो हम इतना कर दिए कि अब लड़की को कोई कम पढ़ाना चाहेगा तो लड़की कम पढ़ेगी, अब तो सब लड़की पढ़ेगी। अब किस बात के लिए बात करते हो भाई? लड़का का ब्याह करोगे और लड़की को लाओगे और उससे तुम दहेज लोगे? कानून तो बना हुआ, आप जरा बताइए तो। हम आप सब लोग यहां पर हैं, ये अगर पति पत्नी न हो, स्त्री और पुरुष न हो, तो हम आप कहीं आते क्या? पुरुष और स्त्री रहेंगी तभी ना हम आप जन्मे हैं जी, या आगे भी जन्मेंगे। इसलिए कोई लड़का है वो ब्याह नहीं करेगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा, तो इसलिए अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना है, ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना ब्याह, रहिए ना, मर जाइएगा उसके बाद आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं, कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा, तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा। इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है ये। इसलिए दहेज के खिलाफ भी अभियान चलाते रहना है।